कुत्तों के साथ नहीं, कोई बात नहीं, जानवरों पर रहम करना चाहिए, मगर क्या आप नाम किसका नाम रख रहे उनका? उन्हें मिले हुए हैं भाई साहब, कोई मिले हुए नहीं है। सच्चाई को बयान करना तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देती है। तुम बयान करते हैं तो नहीं, उनका क्या है रे, उनका क्या है, सब हमारा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। याद रखो, आप हैदराबाद में तेलंगाना में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। अच्छा, इनका जो नमूना कैंडिडेट है, मेरे ख्याल से इलेक्शन लॉ में बोल सकते, नमूना बोल सकते, वो उन्होंने बोल रहे कि 2 लाख मुसलमान नामपल्ली में है, जिसमें से 1.5 लाख फेनेटिक हैं। फेनेटिक का मतलब जुनूनी, पागल। अब उनके लोग आ रहे, अब अंसारी साहब के घर पे गए तो जाके क्या बोलेंगे, आप फेनेटिक और देते क्या मेरे को? अंसारी साहब बोलेंगे, जिंदगी गुजर गई तो कौन से जुनून की बात कर रहा हूं, मैं एक ही जुनून देखा, वो अब तक इसी जुनून में हूं मैं। माने 2 लाख में 1.5 लाख फेनेटिक हैं, और ये कहता है कि वो नमूना के नामपल्ली के मुस्लिम अकलियत जिस तरह टेररिस्ट मस्जिद में जाकर छुप जाते हैं, ऐसा छुप जाते हैं मस्जिद में जाकर। अरे कहां से लाए इसको, समझ में नहीं आता, कौन इसको बोलता है ये? ऐसी होता, देखो भाई, बचपने में तरबियत अच्छी देना, बचपने में, इस वास्ते आप जब छोटे रहते ना, मिलो मौलाना से, मिलो, हाथ चूमो इनका, सोबत में बैठे तो सोबत में अच्छी चीज निकलती, अगर आप बेकार लोगों की सोबत में बैठे तो वही चल जाता दिलो दिमाग पे, वही छा जाता। अब इन्हों जो है आके मजलिस पे तनकीद कर रहे हैं। अरे क्या क्या माने, क्या क्या माने, अजीब और गरीब। इनके पास ना कोई प्रोग्राम, ना कोई प्लान। 3-3 इलेक्शन हार गए, मगर फेनेटिक्स की वजह से हारे। आप बताइए आखिर क्या ये लोग करना चाहते हैं? माजिद ने बताया कि क्या क्या इनके वीडियोस निकलते हैं कुत्तों के साथ। नहीं, कोई बात नहीं, जानवरों पर रहम करना चाहिए, मगर क्या आप नाम किसका नाम रख रहे उनका? आप हर जगह पहुंच जा रहे, कहां कहां चले जा रहे। अरे भाई, हमियत भी तो कोई चीज है, आपकी शनाख्त भी तो कोई चीज है, इज्जत नफ्स भी तो कोई चीज है। इलेक्शन सब कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, मैं अपनी हमियत को इलेक्शन जीतने के लिए कुर्बान ना किया ना कभी करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को खत्म करने के लिए कभी तैयार था ना कभी रहूंगा इलेक्शन के लिए। अरे कुछ तो गीरत बाकी रखो, मुकाबला करो मजलिस से, मगर तुम क्या मिसाल बनना चाहते हो? तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई ये जो अपने आप को इलेक्शन लड़ने के लिए आता है, वो अपनी जहनियत का इजहार कर रहा है अपने वीडियोस और अपनी हरकतों से, तो ये इलेक्शन सिर्फ नामपल्ली का नहीं है, अपने आने वाली नस्लों को बचाना है। असदुद्दीन ओवैसी कोई फरिश्ता नहीं है, मगर कम से कम जब मैं मासूम 14-15 साल के बच्चों को मिलता हूं तो बच्चे मिलकर बोलते, अंकल जो मुझे सख्त नफरत है को अंकल बोले तो, क्योंकि मैं और अंसारी साहब आर ऑलवेज यंग। मैं बोला, एक पकड़ लिया, एक मतलब वापिस ले, तो मेरे को बोला नहीं, आप अच्छी स्पीच देते पार्लियामेंट में, मेरे को आपके ऐसा बनना है। कोई बच्चा मिलके बोलता, बेटी मिलके बोलती, अभी आज ही के दिन उनके ससुराल वाले मुंबई के बोले, असद साहब भिवंड बैकुल्ला में आपके, मेरे पूरा ससुराल आपकी तकरीर को सुनता, और अल्लाह करे कि हम आपके से और लोगों हमारे को चाहिए। मैंने कहा आमीन, मेरे से अच्छा। सियासतदान का भी कुछ रोल होता है, इन बच्चों को एक इल्म दिखाए, रास्ता दिखाने के लिए, मगर आप किसको लेकर आ रहे हैं सामने, जिसको खुद नहीं मालूम उन्हें क्या है, जिसको खुद नहीं मालूम कि उन्हें क्या है, उसकी सोच क्या है और किसके लिए करना चाहता है। इसके बरक्स मजलिस आप जानते हैं क्या है। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप अपना एक एक वोट
पतंग के निशान पर बटन दबाकर जनाब माजिद साहब को मजलिस को कामयाब करिए। और आप जानते हैं कि फिरोज गांधी नगर में जनाब अंसारी साहब और उनके तमाम साथियों को अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाइए। इन लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से घरों का रेगुलराइजेशन हुआ और फिर वो मस्जिद बगैर कोई कॉस्ट के, बगैर कोई कॉस्ट के GOMS नंबर 1 में वो मस्जिद फिरदौस का रेगुलराइजेशन हो गया। देखो फेनेटिक काम कर सकते, ये जुनूनी काम कर सकता, जुनूनी काम कर सकता। फेनेटिक का मतलब क्या है? जुनूनी। ज्यादा देर हुशियार रहा तो कुछ नहीं कर सकता, उन्हें बोलता कुलाटी मार दो, जा दिखा डाइव। जुनूनी को मंजिल मिलती, डेढ़ हुशियार को नहीं मिलती। आप जुनूनी को बोले देख मियां यहां से चल के दिल्ली जाना है, उन्हें बोला कब जाना है बोल, अभी निकलता हूं मैं। डेढ़ हुशियार को बोले तो बोलता पहले एक दो डाइव मार लेता हूं, सोचता हूं फिर। ये डाइव मारने वालों से बचो, आप कुलाटी मास्टर है ये तो। बहरहाल ये काम हुआ मजलिस की नुमाइंदगी पर RK पान शॉप खलील पाशा लेन में वाटर सप्लाई की 7.5 लाख की लाइन मुकम्मल हो गई। फिरोज गांधी नगर में वहीं पर 23 लाख की पानी की लाइन डाली गई। और माशाल्लाह से ताज नगर बॉक्स ड्रेन का काम चल रहा है, जो 30 साल से पानी रुकता था। फिर मजलिस की नुमाइंदगी पर इंदिरा नगर फिरदौस मस्जिद के पास रोड का काम हुआ। VDCC रोड रविंद्र भारती रोड से मुस्तफा हाउस तक 1.5 करोड़ की VDCC रोड। रोजडेल स्कूल से शांति किरण अपार्टमेंट 20 लाख की VDCC रोड। RCC स्लैब इंदिरा नगर नाला का काम हुआ। मुनीर साहब से खालिद भाई के घर तक 16.5 लाख की VDCC रोड का काम हुआ। VDCC रोड सोफी आर्केड के पास 5 लाख, 60 लाख ताजनगर के पास काम हुआ। एक बॉक्स ड्रेन का काम नासिर साहब के घर से शीतल लस्सी ताजनगर में, ये भी काम 2.5 करोड़ का जेरे दौरान है। इंदिरा नगर अजीज हाइट्स नूर अनवर में VDCC का 33 लाख के करीब का काम हुआ। और भी काम बाकी है इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि आपकी ताईद और आपका साथ रहेगा तो हम वो पूरे काम करवाएंगे। मगर एक बात का ख्याल रखिए, पोलिंग करवाइए, निकल के वोट डालिए। नौजवानों उस दिन जरा जल्दी उठो, अपने घर वालों को लेकर जाइए वोट डालिए। आज आप देखिए कि एक नौजवान कितनी हिम्मत के साथ आकर हमारे जलसे में बैठा है, मैं इसकी हिम्मत को सलाम करता हूं। और मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखते, बल्कि इन हौसलों की बुनियाद पर, अपने अजम की बुनियाद पर अपने जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स को, मंजिलों को तय करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि नामपल्ली में मजलिस को कामयाब करिए और BJP की फिरका परस्ती और कांग्रेस की फिरका परस्ती और मुफाद परस्ती को शिकस्त देकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10 बज गए हैं, जलसा इख्तिताम की मंजिल पर पहुंचा, आपका शुक्रिया अदा किया जाता है। माइक ले लो, माइक ले लो।